हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। 11th में हम लोग संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर दूसरा जो है, इसमें हम लोगों ने पहला प्रश्नावली हल कर लिया है। आइए जो दूसरा प्रश्नावली है उसके लिए थ्योरी समझते हैं, पढ़ते हैं उसको। ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर मैंने एक समूचे ए लिखा है। समूचे ए के लिए मैंने एक वेन आरेख बना लिया, समूचे ए और बी के लिए। और ध्यान से समझिएगा, ये जो समूचे ए है ना, इसको कह दीजिए कि ये पुत्र है। ये क्या है? पुत्र है। और इधर ये जो समूचे बी है ना, यह क्या है? पिता है। समूचे ए को कह लीजिए कि पुत्र है और समूचे बी जो है वो क्या है? पिता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। एक इसको हम लोगों ने पुत्र कहा और इसका पिता कौन है? बी है। तो यह बताइए कि यह एक जो है, क्या इस समूचे बी के दो अवयव से जुड़ सकता है? तो आप खुद समझिए, यदि इस एक को मैं इससे भी जोड़ दूं, किससे? इस्तेमाल ए से। यदि इससे मैं जोड़ दूं तो देखिए क्या बनेगा कि ए पुत्र है किसका? वन जो है एक, यह पुत्र है किसका? तो इसके पिता कौन कौन बन गए? ए और बी। तो बताइए कि क्या एक ही पुत्र के दो पिता हो सकते हैं? यह बात गलत है। यानी कि यह जो पुत्र है, इसको जिसको हम लोग पुत्र कह रहे हैं, इसका केवल और केवल एक ही पिता होगा। मतलब एक जो है इसके केवल और केवल एक ही अवयव से जुड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि समूचे ए में जितने भी अवयव आ रहे हैं इसको हम लोग पुत्र कह रहे हैं। तो यह बताइए कि क्या कोई पुत्र ऐसा होगा जिसका पिता ही न हो? ऐसा नहीं हो सकता है। वह पुत्र है तो जरूर उसका कोई ना कोई पिता होगा। यानी कि इसमें जितने भी अवयव रहेंगे वो इसमें किसी न किसी अवयव से, किसी न किसी एक अवयव से अवश्य जुड़े रहेंगे। और एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, यानी कि यह ऐसे दो अवयव से नहीं जुड़ेगा, बस यह केवल एक ही अवयव इस ये बी से ऐसे जुड़ा है तो इसी से जुड़ा रहेगा। समूचे ए इसको हम लोगों ने कह लिया पुत्र, समूचे भी इसको कह लिए पिता। मतलब ए में जितने भी लिखे हैं ये अवयव पुत्र है किसी न किसी के। इसमें लिखे हैं कि ये समूचे बी में जो मैंने लिखा है इसमें इनके पिता को लिखे हम लोग। तो एक जो है ये किसका? पुत्र है बी का। तो मतलब एक पुत्र है किसी का? बी का। तो ऐसे एक को मिला लिए बी से, दो को मिला लिए सी से, तीन को डी से, चार को ई से। तो यहां जो ए से बी में संबंध एफ है इसको कहेंगे कि यह एक फलन है। समझिए, जैसे फलन में मैंने क्रमित युग्म लिखा है 1, a, तो इसमें कहेंगे कि जो a है, स्मॉल a है, वह एक का प्रतिबिंब है। एक का प्रतिबिंब कौन है? a है। और एक जो है वह एक का पूर्व प्रतिबिंब है। एक देखिए पहले आया है ना, तो पहले आया है तो एक का पूर्व प्रतिबिंब है और एक का प्रतिबिंब a है। मतलब एक का प्रतिबिंब ए है, ए का प्रतिबिंब वन है, लेकिन ए पहले आया है तो इसको केवल प्रतिबिंब ना कह के पूर्व प्रतिबिंब कह लेंगे। तो एक ए का पूर्व प्रतिबिंब है और ए जो है एक का प्रतिबिंब है। इसी तरह इसमें कहें तो सी जो है दो का प्रतिबिंब है और दो सी का पूर्व प्रतिबिंब है। बिल्कुल इसी तरह से अगर इसमें बात कर ले तो ई जो है, जो फोर है, फोर इसका प्रतिबिंब है और फोर जो है इस ई का पूर्व प्रतिबिंब है। ए से बी में फलन कब कहना है ये तो अभी मैंने बताया आपको। इसमें ए से बी में यदि कोई संबंध एफ है और वह फलन है तो उसको प्रतीक से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर ऐसे कहीं लिखा गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग कि ए से बी में एक फलन एफ है। आगे और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैंने समूचे ए से बी में एक संबंध जी लिख दिया है, वेन आरेख से इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब हम लोग को बताना है यहां जो संबंध जी है वह एक फलन है कि नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको अभी से पहले बताया अगर यहां लिख लेंगे क्या ए क्या है? पुत्र है और बी की जगह क्या लिख देंगे? यहां पिता। बस इसी पे, इसी थ्योरी पे समझते चलिए, बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिए, एक पुत्र है किसका? ए का। और दो पुत्र है किसका? ए का। देखिए तो क्या यह बात सही है? ऐसा हो सकता है कि दो लड़के हो और उनका पिता एक ही हो? ऐसा हो सकता है। यानी कि ये इससे जुड़ सकते हैं,
एक भी जुड़ सकता है ए से, दो जो है यह भी जुड़ सकता है किससे, ए से। आगे बढ़ते हैं, तीन देखिए तो ये किससे जुड़ा है, सी से। जब तीन सी से जुड़ा है तो एक ही अवयव से जुड़ा है, तो ये तो सही ही है। चौथा ये चार जो है देखिए किससे जुड़ा है, डी से, तो ये भी सही है। एक इसका बी में कितने अवयव से संबंध है, बस एक ही अवयव ए से। दो जो है बी में कितने अवयव से इसका संबंध है, बस एक ही अवयव ए से। इसी तरह से तीन चार ये सब जो है एक एक अवयव से ही जुड़े हैं समूचे बी के। और वैसे भी यहाँ इससे भी से भी समझ में आ रहा है, पुत्र और पिता इस पे हम लोगों ने बनाया तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ जो संबंध जी है यह एक फल है। आगे और उदाहरण से समझा रहे हैं, देखिए इसे ध्यान दीजिएगा। एक ये वेन आरेख दिया गया है और ए से बी में एक संबंध है क्या, एज। और यह संबंध ऐसे दृष्टि चित्र द्वारा या वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। हम लोग को यह बताना है कि जो संबंध एज है यह फलन है कि नहीं है। तो कैसे कैसे बताएंगे, तो लिख दीजिए यहाँ ए क्या है, पुत्र है, और बी इसके जगह क्या लिख दीजिए, पिता। और समझते हैं दो, यहां से समझते हैं, इसको अभी रहने दे रहे हैं, पहले इसको समझिए। तो दो इसका पिता शी है, तो बात सही है, एक एक ही से जुड़ा है, मतलब यहाँ जो अवयव दो है या इसका एक ही पिता शी है, ये बात सही है। आगे तीन जो है ये डी से जुड़ा है, यह भी ठीक है। चार जो है ई से जुड़ा है, यह भी ठीक है। और जरा इसको देखिए तो एक जो है यह ए से जुड़ा है, एक जो है वह बी से भी जुड़ा है, मतलब एक का पिता ए है और एक का ही पिता बी है। तो क्या एक ही पुत्र के दो पिता हो सकते हैं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। यानी कि एक जो है एक साथ इन दोनों से नहीं जुड़ेगा, मतलब यहां जो संबंध एज है ना, ये संबंध तो है ए से बी में संबंध है, लेकिन यह फलन नहीं है। यहां ए से बी में यह फलन नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में फलन नहीं होगा। आगे और उदाहरण से समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। यहां ए से बी में एक संबंध है क्या, लिख लिया जा, एक संबंध है फाई। ए से बी में क्या है, संबंध फाई है। और हम लोगों को बताना है कि जो संबंध फाई है यह ए से बी में एक फलन है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे, बिल्कुल वही थ्योरी अपनाइए, लिख दीजिए यहां ए क्या है, पुत्र, और बी की जगह यहां क्या लिख दीजिए, पिता। और समझते हैं इसी थ्योरी, ध्यान दीजिएगा। तो एक जो है वन यह ए से जुड़ा है, यानी कि वन जो है इसके पिता कौन है, इस्माइल, ठीक बात है, क्योंकि अब इसके और कोई पिता नहीं है, एक का पिता ए है, मतलब ये बात सही है, इसका एक बाप होगा। आगे दो जो है तो इसका पिता कौन है, देखिए तो सी है, तो ये भी बात सही है कि जो यह दो है इसका भी एक बाप होगा, बाप मतलब पिता, तो यहां दो जो है इसका एक बाप बन गया कौन, सी। अब तीन जो है यह किससे जुड़ा है, ई से, मतलब तीन का बाप यानी कि पिता, तीन का बाप कौन है, ई है। अब एक चीज समझिएगा, यहां चार कौन है, तो इसको हम लोग पुत्र कहे है ना, और चार ये पुत्र आ गया और इसमें किसी से जुड़ा ही नहीं है, तो ये पुत्र आ गया और इसका पिता कोई नहीं है, तो क्या ये बात सही है, ये बिल्कुल गलत बात है। जब ये पुत्र है तो इसका पिता कोई ना कोई होगा, जबकि वेन आरेख में ऐसा नहीं दिया गया है, ये पुत्र तो दिया गया है लेकिन इसका पिता कोई नहीं है, इसका बाप कोई नहीं है, अतः क्या है यह ए से बी में एक संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। तो इस प्रकार से जो फाई है यह ए से बी में एक संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। और अब यहां अगर ध्यान दे रहे होंगे आप कि B और D इसके चलते इसको हम लोग कह रहे हैं कि फलन नहीं, तो इसे पे ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि B जो है पिता है, इसका कोई पुत्र ना हो, D जो है ऐसा पिता है कि इसका अभी कोई पुत्र नहीं है, तो इसका प्रत्येक अवयव इससे जुड़े ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें तो पुत्र कह रहे हैं ना, और जब इसमें पुत्र कह रहे हैं तो इसका कोई ना कोई पिता, कोई ना कोई बाप इसका होगा। अतः हम लोग यहां नहीं देख के बोल रहे हैं, इसको देखते हुए समझ रहे हैं कि चार जो है जब पुत्र है और इसका कोई पिता नहीं है, अतः यह ए से बी में एक फलन नहीं है। तो अभी हम लोगों ने जो फलन के बारे में समझा, आइए इस पर जो संबंध एवं फलन का तीसरा जो प्रश्नावली है 2.3 उसको हल करते हैं। तो निकालिए जो एनसीईआरटी किताब है और उसका तीसरा प्रश्नावली हल किया जाए। ध्यान दीजिएगा,
तो जो प्रश्नावली है तीसरा चैप्टर दूसरे में जो तीसरा प्रश्नावली है पहला सवाल दिया गया है उसमें कहा गया है कि यदि ये जो दिया गया संबंध है इसे संबंधित दिया गया है और यदि यह संबंध फलन है तो उसका कारण बताइए कि क्यों फलन है, कैसे वह फलन है इसका कारण बताइए और फलन का प्रांत तथा परिसर यह भी बताना। समझते हैं, हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्रमित युग्म में लिख दिया गया है तो जो मैंने आपको अभी वेन आरेख खींच कैसे समझाया था तो इसमें जो पहले आया था इसको हम लोग क्या बोले थे पुत्र और दूसरे वाले को पिता। बस इसी थ्योरी पे हल करते चलेंगे आसानी से हल हो जाएगा। कैसे देखिए दो और इसका पिता कौन है एक, आगे देखिए तो दो का और कोई पिता है, दो का और कोई पिता है कहने का मतलब कि कोई और क्रमित युग्म में है जिसमें पहले दो आया हो और उसका पिता कोई और हो, मतलब उसके बाद जो अवयव हो कोई और आया हो। देखिए है इसमें नहीं है आगे तो ये वाला तो बात ठीक है, ये बन गया इस दो का एक ही पिता एक है, दो का एक ही पिता एक वन है ये तो बात सही है। पांच इसका पिता कौन है एक है तो देखिए तो आगे कहीं पांच आया है जिसमें पांच पहले हो और बाद में फिर उसका पिता कोई और आया हो, है ऐसा कहीं नहीं है तो ये भी सही है। इसी तरह से इसके लिए देखिए यह भी ठीक है, आठ का पिता एक है, ग्यारह का पिता एक है, चौदह का पिता एक है, सत्रह का पिता एक है तो यानी कि यह जो संबंध दिया गया है यह फलन है। अब इसका कारण कैसे लिखेंगे तो क्या यही लिख देंगे कि इसमें जो प्रत्येक क्रमित युग्म में है उसमें प्रत्येक पहले अवयव अर्थात प्रत्येक पुत्र का एक ही पिता है अतः यह फलन है, ऐसा नहीं लिखना है। ये समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे समझ लेंगे हम लोग, बता लेंगे कि फलन है कि नहीं, लेकिन जब हम लोग इसको लिखेंगे कारण लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि जो संबंध दिया गया है ना इसका प्रत्येक क्रमित युग्म, प्रत्येक क्रमित युग्म इसका जो पहला अवयव है, पहला अवयव इसका कितना प्रतिबिंब है तो प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब है। देखिए तो जैसे दो का प्रतिबिंब यहां एक है, आगे और कहीं है कि दो का कुछ और प्रतिबिंब बना हो, नहीं है। यही लिख लेंगे कि इस संबंध में प्रत्येक क्रमित युग्म में पहले अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब है अतः यह संबंध एक फलन है। अब इसका प्रांत कैसे लिखेंगे तो प्रांत लिख लेंगे कैसे तो ध्यान से समझिएगा, यह हिंदी जो मैंने बोला ये चीज लिख लीजिएगा और बता दीजिएगा यह एक फलन है। अब प्रांत कैसे लिखेंगे तो जितने भी क्रमित युग्म है इसमें पहले वाले सभी अवयवों का समुच्चय लिख देंगे तो पहले इसमें क्या है दो है, इसमें पांच, फिर आठ, फिर ग्यारह, फिर क्या है चौदह, फिर सत्रह, इन सब का समुचे यही क्या हो गया प्रांत। और परिसर लिखना, परिसर तो जो क्रमित युग्म बना है इसका जो दूसरा अवयव है इन सब का समुचे तो इसमें दूसरा अवयव एक, इसमें भी एक, इसमें दूसरा अवयव एक, सब में दूसरा अवयव एक है तो क्या एक को कई बार लिखेंगे, समुचे में एक अवयव को एक बार लिखना पर्याप्त होता है, कई बार नहीं लिखते हैं तो बस ऐसे लिख लेंगे समुचे में एक और यही बन जाएगा क्या इस फलन का परिसर। फिर हम लोगों ने जो पहले में पहला सवाल दिया गया था इसको हम लोगों ने समझा हल किया, इसी तरह से इसमें और दो सवाल दिए गए हैं, पहले वाले में ही दो सवाल और है और उसमें भी दे दिया गया है संबंध और कहा गया है कि जो संबंध यदि फलन है तो उसका प्रांत और परिसर बताइए और कारण भी बताना है कि वो कैसे फलन है। तो बिल्कुल जैसे मैंने ये चीज आपको समझाया उसी तरह से इसमें जो दूसरा और तीसरा सवाल है उसको खुद से हल कीजिए। आगे मैं देखिए आपको बता रहा हूं जो दूसरा दिया गया है सवाल, ये तो पहले में तीन सवाल, इसमें पहले में तीन सवाल में पहला मैंने बताया और इसमें कह रहे हैं कि दूसरा तीसरा खुद हल कीजिए और पहले के बाद जो दूसरा सवाल दिया गया देखिए उसे हल करते हैं। दूसरा जो सवाल कहा गया है इसमें ऐसे लिख दिया कि एक फलन दिया गया है f(x) = mod x और बाहर माइनस लिखा गया और कहा गया कि बताइए इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो f(x) = लिख रहे हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = माइनस और मोड में क्या x, मोड में x ध्यान दीजिएगा क्योंकि y = f(x) लिखते हैं ऐसा पढ़े होंगे आप कि y = f(x) ऐसा लिखा जाता है इसी में तो यहां जो मैंने f(x) इसकी जगह क्या लिख लिया y। ध्यान से समझिएगा x का जो मान रखेंगे
उसको प्रांत कहेंगे और x का मान इसमें रखने से y का जो मान प्राप्त होगा उसे परिसर कहेंगे। समझिएगा, देखिए तो x का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो x का मान देखिए यदि शून्य रखते हैं तो क्या मिलेगा, शून्य मॉड से बाहर आएगा, मापांक से बाहर आएगा तो शून्य मिलेगा, और माइनस शून्य नहीं होता तो शून्य ही बनेगा। वाई का मान क्या बना, शून्य। समझिएगा, एक्स की जगह यदि जीरो रख रहे हैं तो वाई का मान क्या मिल रहा है, शून्य। इसी समीकरण एक में, किसमें रख रहे हैं, समीकरण एक में, एक्स इज कस्टू जीरो तो वाई कस्टू जीरो मिल रहा है। यदि एक्स की जगह क्या रखे हम, एक रखे तो वाई कस्टू क्या मिलेगा, तो मॉड से तो बाहर मिलेगा एक, और चूंकि पहले से माइनस है तो माइनस एक बनेगा ना। इसी तरह से यदि एक्स की जगह रखते हैं क्या, माइनस एक, तो वाई की जगह क्या मिलेगा, तो एक्स की जगह माइनस एक, और यहां माइनस एक रखे लेकिन मापांक से बाहर तो प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा लेकिन पहले से यहां माइनस है तो फिर क्या, माइनस वन बनेगा, ऐसे बनता चलेगा। तो अब यहां समझिएगा, एक्स का कोई भी मान रख सकते हैं, यानी कि यहां कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे हम लोग तो वाई का कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा, यानी कि प्रांत इसका क्या बनेगा, तो वास्तविक संख्याओं का समूचे हो जाएगा इसका प्रांत। तो लिख लेंगे क्या, प्रांत, प्रांत क्या बनेगा, प्रांत बराबर आर, और आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समूचे, वास्तविक संख्याओं का समूचे। और ध्यान दीजिएगा, परिसर बताना है हम लोगों को, तो परिसर कैसे बताएंगे, क्या मिलेगा परिसर, तो ध्यान से समझिएगा, x की जगह जीरो रखे, y का मान जीरो प्राप्त हुआ, x की जगह अब यहां जो भी मान रखेंगे हम लोग, एक रख ले, एक बटा दो रख ले, दो बटा तीन रख ले, कुछ भी रखेंगे, प्लस में लिखें या माइनस में, मान किसमें मिलेगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस कुछ भी लिखेंगे बाहर प्लस नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर प्लस में तो आएगा, लेकिन चूंकि पहले से यहां माइनस है तो उनको माइनस बना देगा। मतलब जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी मिलेंगे मान वो सब माइनस में मिलेंगे। और एक्स का कहां तक मान रख सकते हैं, तो अनंत तक, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, तो वाई के भी अनंत मान बनेंगे। परिसर इसका क्या बनेगा, तो इधर लिख लेंगे ऐसे, जीरो हो सकता है या जीरो से छोटी कोई भी संख्या, क्योंकि जब ऋणात्मक बनेगा तो जीरो से छोटी कोई संख्या ना, यहां लिख लेंगे जीरो से कोई छोटी संख्या, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, ऐसे बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो दूसरा, इसमें पहला जो सवाल दिया गया था, दूसरे में पहला, इसको हम लोगों ने हल कर लिया है। आगे देखिए, दूसरे में जो दूसरा सवाल दिया गया है उसको हल करते हैं। देखिए दूसरे में जो दूसरा सवाल दिया गया, ऐसे कह दिया गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो फलन दिया गया इसका हम लोग को प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे तो हाँ, एफ एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, वाई, और वाई इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा इसको, हम लोगों को इसका प्रांत चाहिए, तो एक्स का क्या क्या मान रख सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट में दिया गया है, इसमें एक्स का जो भी मान रखे हम लोग और उसका वर्ग करें और 9 से उसको घटाएं, तो जो मान प्राप्त हो वो कैसा मिलना चाहिए, तो शून्य मिल जाए तब तो चलेगा, या फिर शून्य से बड़ा यानी कि धनात्मक है तभी तो वाई का मान कुछ वास्तविक मिलेगा, वास्तविक मान कोई मिलेगा वाई का। यदि रूट में माइनस में कुछ मिलने लगेगा तो फिर ये तो काल्पनिक मान हो जाएगा, तो यही चीज ध्यान रखना है। हम लोग लिख लेंगे यहां वाई का मान तभी वास्तविक होगा वास्तविक संख्या आप जानते होंगे जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर इसका जो मान मिले वह क्या मिले जीरो मिल जाए या जीरो से बड़ा मिले तभी तो होगा परिभाषित तभी वास्तविक होगा इसकी जगह पे अभी लिख सकते हैं तभी परिभाषित होगा लिख दीजिए तभी परिभाषित होगा तो वाई का मान तभी परिभाषित होगा जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर जो रूट में है इसका मान शून्य आए या फिर शून्य से बढ़ा है।
अगर ऋणात्मक मिलने लगेगा तो वाई का तो वो काल्पनिक मान हो जाएगा, अगर रूट में ऋणात्मक बन जाएगा तो काल्पनिक मान मिलेगा, इसलिए ये प्लस में मिलना चाहिए। अब इसको आगे हल किया जाए, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग अभी तो लिख सकते हैं 9 को 3 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0 से बड़ा है इसके बराबर। अब क्या लिखे है? तो देखिए इसको ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, 3 प्लस एक्स और एक में 3 माइनस एक्स, 0 से बड़ा या के बराबर। समझिएगा ये हम लोगों ने ऐसे बना लिया, अब इसके बाद क्या लिखे समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये जो दोनों बना है 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ये हल करने से 0 से बड़ा है या फिर इसके बराबर है, तो कब बनेगा, तो आगे स्टेप में क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि ऐसा तभी बनेगा जब x का मान क्या हो, माइनस 3 से बड़ा हो या इसके बराबर हो, या फिर प्लस 3 के बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। आप रख के देख लीजिए, यदि माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 धन 3 कितना हो जाएगा, शून्य, और शून्य के साथ एक गुणा करेंगे तो मान क्या मिल गया, शून्य। अब यदि प्लस 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 तो यह शून्य बन जाएगा, शून्य शून्य के साथ गुणा करेंगे क्या बनेगा, शून्य। तो शून्य प्राप्त हो रहा है ना, माइनस 3 प्लस 3 ऐसे शून्य प्राप्त हो जा रहा है। माइनस 3 से आगे जैसे बढ़ते हैं, अगर माइनस 2 रख देते हैं तो माइनस 2 अधन 3 प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ माइनस 2 रखेंगे तो पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और यहाँ बनेगा 1, 1 गुणे 5 5 मिलेगा, तो शून्य से बड़ा ही ना आया तो यही बनेगा प्रतिबंध। इसके बाद स्टेप यही बनेगा, x का मान माइनस 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और प्लस 3 से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो ऐसे बन गया, अब तो यही मान बनेंगे इसके, अब लिख लेंगे यहां से क्या, x के मान जो बनेंगे उसी को तो प्रांत कहेंगे। तो फलन का प्रांत क्या बनेगा, तो इन्हीं सबका समूच है, यानी कि लिख लेंगे कि x का मान क्या, माइनस 3 से बड़ा और प्लस 3 से छोटा, और यहाँ x क्या है, x के जगह कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, तो x इज इलेमेंट ऑफ r, लिख लेंगे x इज इलेमेंट, यानी कि x अवयव है वास्तविक संख्याओं के समूचे है r का। आगे इसका परिसर लिखना है, तो फलन का परिसर लिखा जाए तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ शून्य बनेगा या शून्य से बड़ा, यही ना बात की हम लोग, शून्य बनेगा तो y का मान क्या मिलेगा, शून्य ना, तो यहाँ देखिए परिसर में लिख लेंगे ऐसे y सच दैट, और इसको समूचे निर्माण रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x का कोई भी मान हो सकता है माइनस 3 से 3 तक, इसमें कोई भी मान हो सकता है, तो अब सब पर मान निकाल के रखना होगा, और माइनस 3 और प्लस 3 के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी, तो अपरिमित रूप से अनेक वास्तविक संख्याएं होंगी, माइनस 3 और 3 के बीच कितनी वास्तविक संख्या, तो लिखते चलिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 ऐसे लिखेंगे तो अनेक संख्याएं बन जाएंगी, अपरिमित रूप से अनेक मतलब अनंत संख्याएं बनेंगी, इसीलिए इसको समूचे निर्माण रूप में लिखेंगे। तो लिख लेंगे y सच दैट, मतलब y इस प्रकार है कि y का मान क्या होगा, शून्य होगा, सबसे छोटा शून्य है ना, तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, और अधिक से अधिक क्या बनेगा, तो अधिक से अधिक यही ना बनेगा कि क्या आ जाए इसका मान बाहर, तो समझिए अधिक से अधिक क्या बनेगा, तो अधिक तब बनेगा या जब x का मान शून्य हो, x का मान जब शून्य होगा तो 9 का वर्गमूल बाहर क्या मिलेगा, 3, तो y का अधिक से अधिक मान क्या बनेगा, 3, तो 3 बनेगा अधिक से अधिक, नहीं तो उससे छोटा, तो यही लिख रहे वाई सच दैट y का जो मान है शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है या 3 के बराबर है या फिर 3 से छोटा है, और यहाँ वाई किसका अवयव है, तो वास्तविक संख्याओं के समूचे आर का अवयव है, यही इसका क्या हो जाएगा, फलन का परिसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो दूसरा सवाल है, इसमें दूसरा जो सवाल दिया गया था, दूसरे में दूसरा, इसको हम लोगों ने हल कर लिया। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में जो दूसरा चैप्टर है, इसका तीसरा जो प्रश्नावली है, इसके लिए हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, इसमें कुछ सवाल हल किए, कुछ सवाल समझे, इसमें जो शेष सवाल है उसको मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा। तब तक के लिए जो चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, समझिए, कुछ भी मैं वीडियो में समझा रहा हूं पढ़ा रहा हूं, यदि ये आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ ही साथ
जो बेल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वह आप सबसे पहले उसको देख सके। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।